जनता की रक्षक होती है, यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या हो। पुलिस महकमे को शर्मसार कर देने वाला ऐसा एक मामला सामने आया है, जिसमें नीमच के आरक्षक ने इंदौर की महिला के साथ ज्यादती की। इसकी शिकायत महिला ने कंट्रोल रूम पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों से की है। दरअसल इंदौर निवासी दंपति बुधवार को रीगल तिराहा स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे थे। यहां उन्होंने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगड़कर को नीमच कैंट थाने में पदस्थ आरक्षक अनिरुद्ध राठौर के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने की शिकायत की। पीड़िता की माने तो आरक्षक अनिरुद्ध राठौर ने सोशल मीडिया के माध्यम से उससे बातचीत शुरू की थी। उसके बाद वह लगातार उससे मिलने के लिए दबाव बनाता रहा और फिर उसे सरवटे बस स्टैंड स्थित होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए कई बार बलात्कार किया। महिला ने और भी कई गंभीर आरोप आरक्षक पर लगाए हैं। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सोशल मीडिया से हाँ, फेसबुक पे उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और फिर मैंने इग्नोर किया कि मुझे मतलब उसको जानती नहीं थी मैं, तो उसने उसका परिचय बताया फिर मैसेज करके कि मैं अनिरुद्ध राठौर हूँ, रवि का भाई हूँ, जिसको मैंने राखी बांधी थी उनका नाम है, तो उनका भाई है वो। तो ऐसे करके उसने मुझसे बातचीत स्टार्ट करी और फिर वो मुझे ब्लैकमेल पर ब्लैकमेल करता गया फ़ोन से। मेरे पति मतलब वहीं रहते हैं पास में ही, तो उनको वीडियो कॉल करके कि इनको अफीम के केस में फंसा दूंगा अगर तूने मुझसे बात नहीं की। तो आप भी नीमच के रहने वाले? नहीं, मैं मंदसौर की हूँ, मेरी मौसी रहती है वहीं पे, जहाँ वो उसके मामा है, जहाँ उसका मतलब लोकेशन है वहाँ मौसी रहती है, तो ऐसे जानती हूँ मैं उसको। आपकी शादी इंदौर में ही हुई है? नहीं, शादी मेरी मंदसौर में, हम हस्बैंड वाइफ यहीं रहते हैं। अभी आप अधिकारियों से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है? सर ने बोला है कि हो जाएगी, उन्होंने मदद की है मेरी और बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। अगर वो पति के खिलाफ भी कुछ करने के बोलेगा तो वो करने को बोल रहे हैं कि हम बेटे हैं, तुम डरो मत। किस तरह से डराता, धमकाता, लगाता था आपको? मेरे पति को लेके ही डराता है वो कि कभी इनके नाम की कंप्लेन कर दूंगा, इनके नाम से अफीम रखवा दूंगा, और वो अपने हाथ काट कर वीडियो भेजता, उसका खुद का हाथ काट के वीडियो भेजे हुए। सबूत भी लेके आए हैं क्या? सबूत आपने उसने मुझे एक वीडियो भेजा था, तो जैसे ही मैं वो कुछ भी भेजता तो वो डिलीट कर देता, लेकिन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी उसकी, मेरे पास वीडियो है। मुझसे कपड़े खुलवा रहा था वो और मैं रो रही उसके आगे, हाथ भी जोड़ती हूँ, तब भी उसने नहीं सुनी मेरी। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगड़कर ने मामले में महिला थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। क्या ये निर्देश उन्हीं से जानते हैं? सर, एक महिला आई थी एक पुलिसकर्मी के खिलाफ, प्रताड़ना का आरोप लगाया, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसमें पति पत्नी दोनों मेरे पास आए थे। पत्नी की शिकायत थी कि पुलिसकर्मी जो है उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और गलत काम किए हैं, तो मैंने उसमें तत्काल महिला थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं और सख्त कार्रवाई होगी। सर, लगातार प्रताड़ित करता था कि उसके पति को फंसा देगा, कई वीडियो भी बनाए हैं उसके, वीडियो वायरल करने की धमकी। जितनी भी वर्दी पहनकर यदि गलत कार्य करेंगे तो उसमें अलग सेक्शंस लगेगी, जो बड़ी हार्ड सेक्शंस हैं, और जो भी उसने कृत्य किए हैं सब धाराओं में केस, उसमें कार्रवाइयाँ होंगी। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन जनता के रखवाले ही यदि कानून को ताक पर रख दे तो क्या होगा? बहरहाल देखना होगा कि संगीन आरोपों से घिरे आरक्षक पर कितना सख्त एक्शन लेकर पीड़िता को न्याय दिलाया जाता है।